हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज़ जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ आप लोगों से कि मैं डालने वाला था कल आपके लिए प्रॉफिट लॉस की कंप्लीट 10 घंटे की वीडियो, लेकिन पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आगे कितना कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और चैनल बचेगा नहीं बचेगा। आई डोंट नो, रियली डोंट नो, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मैं किसी एक्स वाई जेड पर्सन के लिए वीडियो बना रहा था, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाई। उसके बाद दीक्षित सर ने भी बनाई, अभिनय सर ने भी बनाई वीडियो, है ना। तो उन लोगों को तो वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक दे नहीं पाए, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इन्हीं को दे देते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टीचर्स जो हैं मुखर्जी नगर के इतने सारे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप ऑनलाइन, है ना। तो पता नहीं, शायद उनको अच्छी नहीं लगी वो वीडियो और उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया उस पर। तो जितने भी लोग बोल रहे थे कि रेवेन्यू वगैरह का, है ना, तो जिनको भी ये टेंशन होती थी कि मैं यूट्यूब से कमाई कर रहा हूँ, तो अब जब स्ट्राइक आ गई है तो आप देख लीजिए कि कितनी कमाई होगी और कितने पैसे आएंगे मेरे पास। तो आप खुद समझदार हैं, लेकिन समझने वाली बात है यार। अब किसने की है, क्यों की है, उसका रीज़न मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा भाई, यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, चैनल मेरा जीवी विटमोबर के नाम से ही है, जो जहाँ पे वही चैनल वही यूट्यूब पे भी है और वही टेलीग्राम पे भी है, तो सारी बात बताऊंगा वहाँ पे। अब देखिए, ऐसा है कि अगर किसी ने आपकी रोस्टिंग कर दी है तो या तो आपके अंदर क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप उनकी रोस्टिंग को झेल पाएँ, है ना। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे, तो उनकी लोग रोस्टिंग कर देते हैं और इवन रोस्टिंग के चैनल्स बने हुए हैं, तो यार वहाँ पे भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या प्रोफेशनलिज्म है ना। आप लोग बताते हैं कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं, मान लिया कि हम लोगों को कुछ नहीं आता भाई, हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है, आप लोग हैं प्रोफेशनल, तो ये कितनी प्रोफेशनल हरकत थी कि आप लोगों ने ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, है ना। और ऊपर से हम लोग यार फ्री कंटेंट करा रहे हैं सारे का सारा, आप लोग पेड करा रहे हो, और हमने आवाज़ किस बात पर उठाई थी ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आवाज़ इस बात पे उठाई थी कि पेड का कंटेंट देते रहते हैं, मशहूरियाँ करते रहते हैं, अपनी ऑफर्स निकालते रहते हैं, तो अब तो लॉकडाउन का टाइम है, अब क्यों ये सब ड्रामे करते हैं, अब बंद कर दें कम से कम, अब तो कम से कम मत निकालें ये ऑफर्स वगैरह। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये भी बोला था कि भाई इतना ही है, अब तो लॉकडाउन में तो घर पर ही रहते हैं सारे, तो फिर क्यों नहीं बना रहे लोगों के लिए फ्री कॉन्टेंट, बना सकते हैं ना, टाइम की कमी तो है नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ये जो आवाज़ उठाना होता है ना, शायद इन लोगों को पसंद नहीं आई है, तो इसीलिए उठा के कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी हमें कि दब जाएंगे ये, है ना, तो दबा देते हैं जिसको दबा सकते हैं उसको दबा देते हैं। तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक तो यार जाके इन लोगों के चैनल्स पे ना नीचे लिखो भाई कमेंट बॉक्स में कि टेक योर कॉपीराइट स्ट्राइक बैक, ठीक है, जितने भी लोग आप लिख सकते हो, जितनी भी इनकी वीडियोज़ हैं ना, सब जगह पे लिखो भाई, ठीक है। तो गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अपने को सब कुछ हम्बली करना है, ठीक है। हम लोग जो भी करेंगे ऐसा नहीं है कि हम गलत तरीके से कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके नहीं करना, अपने को जो भी करना है सही तरीके से करना है भाई, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, फ्री का कंटेंट जिन लोगों को चाहिए, बहुत सारे लोगों का काम चल रहा था हमारे चैनल से, लेकिन अगर ये सब होगा तो फिर कैसे डालेंगे कंटेंट, है ना। मैं तो कंटेंट इतना सारा बना के बैठा हूँ और कर भी रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत, लेकिन ये टाइम आया है इस वक्त जो सपोर्ट दिखाने का टाइम है, और मैं जो आप लोगों के लिए कर सकता था वो मैं रात दिन लगा हुआ हूँ करने के लिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि सपोर्ट दिखाने का ये रियल टाइम है, तो जितने भी लोग हैं यार जिन्हें लगता है कि बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कोई पेड कोर्स नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहा हूं मैं, एक भी रुपया आज तक किसी बच्चे से लिया नहीं है, और जितना कंटेंट दिया है उसके दम पे बहुत सारे बच्चों का पहले भी सिलेक्शन हो गया है, और अभी सब्सिक्वेंट ईयर्स जो होंगे आगे आने वाले तब भी हो जाएगा बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन। और इवन आप लोग देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कितना ज़्यादा आपकी सपोर्ट मिल रही है, बट मुझे लगता है कि शायद किसी को अच्छी नहीं लग रही वो सपोर्ट, तो इसीलिए अब आपसे रिक्वेस्ट है कि असली सपोर्ट अब आपको दिखानी पड़ेगी,
क्योंकि देखिए वैसे मेरे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूट्यूब से मेरी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, आई हार्डली केयर यार, कुछ अर्निंग होती भी नहीं है यूट्यूब से, और अगर नहीं भी होगी अर्निंग तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यही है कि जब चैनल बचेगा तो कंटेंट डालेंगे ना, जब चैनल ही नहीं रहेगा तो फिर भूल जाना कि कोई आपको फ्री में इतना सारा कंटेंट दे देगा। तो जितने भी लोग हो आप यार इस वक्त करो सपोर्ट, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और फैलाओ सबसे ज़्यादा जितनी दूर हो सकता है ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ऐसे हैं जिनको सच में रिक्वायरमेंट है हमारे फ्री कंटेंट की, वो लोग सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है भाई, चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, सब आपके हाथ में, आप लोग रिक्वेस्ट करो तो देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।